ना वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ़ बिजनेस एनालिसिस जिस तरीके से किसी भी बिज़नेस के अंदर एनालिसिस की जो नीड है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इसी तरीके से रिटेल के अंदर भी बिज़नेस एनालिसिस है उसका बहुत की रोल है आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक रिटेलर कौन कौन से बिजनेस एनालिसिस करता है और कैसे करता है हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन तो सबसे पहले हमारे पास लिस्ट में कौन कौन से एनालिसिस मौजूद हैं अगर आप देखिए स्क्रीन के ऊपर तो हम डिस्कस करेंगे आज के दिन में सेल्स के हवाले से एनालिसिस किस तरीके से एक रिटेलर uh, सेल्स की कैलकुलेशन करता है या उससे रिलेटेड इनपुट्स की कैलकुलेशन करता है हम डिस्कस करेंगे अबाउट मार्जिनस जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं मार्जिनस फ्रंट भी और बैक मार्जिन भी टोटल इनकम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो रिलेटेड है एम्प्लोई प्रोडक्टिविटी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे इसके अलावा व्हीकल प्रोडक्टिविटी के ऊपर एरिया प्रोडक्टिविटी के ऊपर डेल्टा कस्टमर्स के ऊपर डेल्टा सेल्स के ऊपर शेल्फ अवेलेबिलिटी के हवाले से गैप चेक एनालिसिस के हवाले से ऑपरेशनल कॉस्ट एच कॉस्ट के परस्पेक्टिव में और लास्ट टॉपिक हमारा होगा डिस्कशन के लिए रिलेटेड टू रिटेल या बिजनेस मॉडल तो हम इन दस टॉपिक्स को इसके अंदर कवर कर रहे होंगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू सेल्स की कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ नंबर ऑफ कस्टमर्स एवरेज इन वॉइस साइज और बिजनेस की बाइंग फ्रीक्वेंसी नॉर्मली एक रिटेलर के लिए ये चारों कॉम्पोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मैं इसको कॉम्पोनेंट वन कह रहा हूँ विच इज़ सेल्स नंबर ऑफ कस्टमर्स को कॉम्पोनेंट टू एवरेज इन साइज को कॉम्पोनेंट थ्री और बाइंग फ्रीक्वेंसी को कॉम्पोनेंट नॉर्मली इनमें से किसी भी कॉम्पोनेंट को अगर आप छेड़ेंगे तो उसका आउटपुट जो है वो इंपैक्ट जो है वो बिजनेस के आउटपुट के ऊपर होगा तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं सेल्स के हवाले से तो सेल्स का रिटेल के अंदर जो फार्मूला यूज होता है सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए वो फार्मूला है सेल्स इज इक्वल टू कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन वाइस साइज मल्टीप्लाई बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इस फॉर्मूला को समझने के लिए लेट से हमारे पास एग्जाम्पल है दस कस्टमर्स हैं एक रिटेल स्टोर में एवरेज इन वॉइस एक हज़ार रुपए की है फ्रीकुंसी ऑफ बाइंग ट्वाइस अ मंथ है यानी कि दो है कस्टमर्स की हमें फाइंड आउट करनी है सेल्स सो so, बहुत आसान है कैलकुलेट करना इसी फॉर्मूले के अंदर अगर आप वो टेन करें नंबर्स को तो हमारे पास टेन कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन वॉइस साइज विच इज़ वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय बाइंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द कस्टमर्स विच इज़ टू सो टेन मल्टीप्लाई बाय वन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टू हमारे पास जो आउटकम आएगा दैट आउटकम इज दी सेल्स आउटकम नॉर्मली एक रिटेलर क्या करता है अगर इनमें से किसी भी फैक्टर को विच इज से वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि मैं सेल्स को कैसे इंक्रीज करूँ तो वो या तो इंक्रीज करेगा बाइंग फ्रिक्वेंसी को या वो इंक्रीज करेगा अपनी एवरेज इन वॉइस साइज को या वो इंक्रीज करेगा अपने नंबर ऑफ कस्टमर्स को तो इन तीनों चीज़ों में से कोई एक फैक्टर कोई दो या कोई तीन जब भी इंक्रीज होंगे उसका सेल्स रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा होगा तो अल्टीमेटली उसकी सेल्स भी रिड्यूस हो रही होंगी हम दूसरी एग्जांपल की बात करते हैं यहां पर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है नंबर ऑफ कस्टमर्स सो फार्मूला रिमेंस द सेम जिस तरीके से हमने सेल्स की कैलकुलेशन का फार्मूला डिस्कस किया इसी तरीके से इसी फार्मूले के अंदर हम कस्टमर्स फाइंड आउट कर सकते हैं से एक रिटेलर है उसको सेल्स का आइडिया है उस सेल्स को अचीव करने के लिए उसको कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स रिक्वायर्ड है ये वो फाइंड करना चाह रहा है तो उसके पास लेट्स ही वॉन्टेड टू अचीव सेल्स ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड एवरेज इन उसके बिजनेस की वन थाउजेंड है बाइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर जो है दैट इज़ टू अब वो फाइंड करना चाह रहा है कस्टमर्स अगेन ऊपर वाले फार्मूले के अंदर इसी फार्मूले के अंदर हम इन नंबर्स को पुट इन करते हैं तो आउटकम आपके पास नज़र आता है विच इज़ टेन कस्टमर्स और ये टेन कस्टमर्स कैसे आए आपके सामने यू कैन ईजीली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो इस सेल्स को अचीव करने के लिए उसको ये कस्टमर्स रिक्वायर्ड हैं इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स होंगे तो ये सेल्स जो है अचीव होगी इसी तरीके से हम तीसरी एग्जाम्पल और इस टॉपिक की आखिरी एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज इन वॉइस साइज विच मीन्स एक बिजनेस है जो कि एक रिटेल स्टोर है जो कि ये फाइंड आउट करना चाहता है कि अगर मेरी सेल्स ट्वेंटी थाउजेंड हो मेरे दस बाइंग कस्टमर्स हो मेरे कस्टमर्स की बाइंग फ्रीक्वेंसी टू हो फॉर एग्जांपल, तो मुझे एक कस्टमर को ऑन एवरेज कितनी बिल करना है कितनी इनवाइस करनी है अगेन हम इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारे इसी फार्मूले के कॉम्पोनेट्स हैं इसी फार्मूले को हम यूज़ करने जा रहे हैं और मैंने इसी फार्मूले के अंदर इन्हीं तमाम एग्ज़ाम्पल्स को पुट इन कर दिया है एंड देन यू कैन सी कि इसको अचीव करने के लिए उसको कितना इन साइज चाहिए वन थाउजेंड का तीनों एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने जो भी नंबर्स यूज़ किए हैं वो सेम किए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए कि किसी भी इनपुट को फाइंड आउट करने के लिए या आउटपुट विच इज़ सेल्स को फ़ाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बाकी तीनों इनपुट्स का या किसी एक कॉम्पोनेंट का मिस होना ज़रूरी है वी कैन ईजीली फाइंड आउट कि हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं तो हम सेल्स मालूम कर सकते हैं हम कस्टमर्स मालूम कर सकते हैं हम एवरेज इन मालूम कर सकते हैं और हम बाइंग फ्रीक्वेंसी भी इसी तरीके से फ़ाइंड आउट कर सकते हैं सो so, रिटेलर इन तमाम कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करता है ताकि जो अपने अचीव्ड प्लान्ड नंबर्स हैं उनको अचीव कर सके